दी जाए। एक माइक लेके आप उस वाले पंडाल में चले जाओ, उसमें कल हमने कह दिया था, बगल वाले पंडाल में आप पहुंच जाओ, हमें सारा कर देंगे जो जो हमें दिखेंगे। जी बोलिए सर। गुरु जी के श्री चरणों में सादर नमन है। जय हो। मैं गुरु जी 2009 से सुंदरकांड कर रहा हूँ हर शनिवार को। आप लोग बैठ जाओ, आपके पास भी माइक आएगा, बैठ जाओ, बैठ के आनंद लो ना, जिज्ञासाएं शांत होंगी। हाँ, 2009 से सुंदरकांड कर रहा हूँ हर शनिवार को, बजरंगबली को चोला चढ़ाता हूँ, मिष्ठान वगैरह जो भी है। तो आपने कल कहा था कि सिंदूर उनका जो है माथे में भी नहीं टीका लगाना चाहिए, तो आज मेरे मन में विचार आया कि अगर प्रश्न करने का मौका मिल जाए तो आपसे ये जानकारी मिलनी चाहिए कि मैं आगे करूं कि ना करूं चोला चढ़ाने का काम। चोला चढ़ाना कोई दोष नहीं है, पवित्र भाव से चढ़ाना चाहिए, पर उसके चार पांच नियम हैं। जी, यज्ञोपवीत संस्कार पहला नियम, दूसरा नियम धोती वस्त्र, तीसरा नियम जब चोला चढ़ाएं तो 4 बजे के या तो पहले सुबह चढ़ जाए अथवा फिर 9 बजे दिन के बाद चढ़े। चौथा नियम, चोला चढ़ाते समय राम नाम का जप। पांचवा नियम, चोला चढ़ाते समय कोशिश भर दूसरे की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर ना पड़ पाए। इन 5 नियमों का पालन करके चोला चढ़ाया जा सकता है। अब उनके चरणों का सिंदूर मस्तक में लगाना चाहिए या नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हो कि उनका तेज अपने मस्तक पर रख करके संभाल सकते हो तो लगाना चाहिए, और अगर नहीं है क्षमता तो ठीक है, राम नाम का जप करो। जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।